फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस से मिलकर बनता है गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि उसमें दो पॉइंट सबसे उसमें इंपॉर्टेंट थे, एक तो आपका बजट रिसीप्ट और एक आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो यही दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं आपके गवर्नमेंट बजट के। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है बजट रिसीप्ट। बजट रिसीप्ट क्या होता है? जितना भी गवर्नमेंट को टोटल मनी रिसीप्ट होगी फ्रॉम ऑल दी सोर्स, जितने भी सोर्सेस से गवर्नमेंट को टोटल मनी रिसीप्ट होती है, जो एक्सपेक्टेड मनी रिसीप्ट होती है गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं बजट रिसीप्ट। एस्टिमेट मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड बजट रिसीप्ट। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें आपका टैक्सेस का ले सकते हैं। गवर्नमेंट को टैक्सेस से कितनी इनकम होती है, टैक्सेस से कितनी इनकम होगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो ये भी एक गवर्नमेंट का सोर्स है। किसका स्टूडेंट्स? ये है आपके बजट रिसीप्ट का। बजट रिसीप्ट आपके टू पार्ट्स, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। अभी ये हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, सेकेंड इसका कॉम्पोनेंट्स आता है आपका बजट एक्सपेंडिचर। What is budget expenditure? Government को upcoming financial year में, upcoming fiscal year में total जितना expenditure करना है वो कहलाएगा आपका government budget expenditure. Estimate expenditure of the government during the fiscal year. जो भी government को estimate expenditure करना है fiscal year में वो कहलाएगा आपका बजट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट देखिए, फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, सेम एज अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल to 31 मार्च। जो गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर है वो भी आपका 1 अप्रैल to 31 मार्च ही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ यहां पर हमें क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट बजट की मिलती है आपका रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के नेम से भी। कुछ अलग और सोर्सेज में, बुक्स में आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो पार्ट इसके दिए गए हैं आपके। तो रेवेन्यू बजट में आपका गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करती है। और कैपिटल बजट में आपका कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ में बजट रिसीप्ट्स को, कि बजट रिसीप्ट क्या होता है गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो देखिए, गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट क्या करती है, ऑल सोर्सेज से उसको एस्टिमेट मनी कितनी रिसीप्ट हो सकती है, ये एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करती है वो आपके बजट रिसीप्ट के अंदर। इसके टू पार्ट्स होते हैं आपका कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ में रेवेन्यू रिसीप्ट्स को, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है? गवर्नमेंट को जो टोटल मनी रिसीप्ट होती है वो सारी मनी आपके रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती है। लेकिन उस रिसीप्ट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी शो होनी चाहिए, दो फीचर्स शो होने चाहिए उस रिसीप्ट के अंदर, दो क्वालिटी होनी चाहिए वो रिसीप्ट गवर्नमेंट के लिए किसी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को क्रिएट ना करती हो। दीज रिसीप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी रिसीप्ट जो गवर्नमेंट के लिए किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को क्रिएट ना करती हो। और स्टूडेंट सेकेंड इसमें फीचर्स आता है, दीज रिसीप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स रिड्यूस हो और ना गवर्नमेंट के लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट हो। अगर ये दो फीचर्स किसी रिसीप्ट के अंदर होंगे तो वो रिसीप्ट आपकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? वो रिसीप्ट आपकी कहलाएगी रेवेन्यू रिसीप्ट। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आपके टैक्सेस का। टैक्स सपोज कीजिए, टैक्स से मनी गवर्नमेंट को रिसीव हुई, भाई टैक्स पे कौन करता है? ए टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट टू दी गवर्नमेंट मेड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट या कोई भी आपका फर्म इसको टैक्स को पे करती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, टैक्सेस से जब मनी गवर्नमेंट को रिसीव होती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या ये लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के लिए कोई यहाँ पर ऐसी लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही। और जब टैक्स से मनी गवर्नमेंट के पास में आ रही है तो क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट्स यहाँ पर रिड्यूस हुई है? एसेट्स भी यहाँ पर रिड्यूस नहीं होती। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू होती है इस रिसीप्ट के अंदर। तो ये रिसीप्ट आपकी स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? आपका रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे इसमें टैक्स आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रेवेन्यू रिसीप्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टैक्सेस की अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बताई है कि क्या कितने टाइप्स में आपका टैक्स होता है, किस किस फॉर्म में आपका टैक्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
तो स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जो कोई भी पर्सन उस टैक्स के बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता, ऐसा टैक्स कहलाएगा स्टूडेंट आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को आप किसी दूसरे पर्सन पर या दूसरे किसी इंस्टीट्यूट पर शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा टैक्स क्या कहलाएगा स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स। अरे इसमें आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है और इस टैक्स के बर्डन को आप किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस टैक्स, हाउस टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले आपका सेल्स टैक्स भी यूज होता था, जीएसटी के आने से ये उसमें कन्वर्ट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पर या दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपके ऊपर बर्डन है वो आपने किसी और पर ट्रांसफर कर दिया। अब वो जाने वो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट उससे लेगी टैक्स, उससे कलेक्ट कर लेगी टैक्स की मनी। जैसे हाउस टैक्स आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं, तो आपने अपने टैक्स के बर्डन को वहां पर उन पर शिफ्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट कहां से कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट करेगी आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से टैक्सेस को कलेक्ट। तो ऐसे टैक्स गवर्नमेंट के लिए कहलाते हैं स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे इसमें आता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो देखिए स्टूडेंट प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनकम के चेंज होने पर आपके टैक्स भी चेंज हो जाए, तो ऐसे टैक्स कहलाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं आपके इनकम टैक्स का, तो स्टूडेंट देखिए गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स आपका डिसाइड किया हुआ है, जो डिक्लेयर किया हुआ है, सपोज कर लीजिए, मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने 5 लाख पर 10% का टैक्स गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, 10% इनकम टैक्स गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट 5 लाख पर चार्ज कर रही है। अगर किसी पर्सन की एनुअल इनकम 5 लाख है तो वो गवर्नमेंट को 10% इनकम टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख से 10 लाख से अबव है, अगर किसी पर्सन की एनुअल इनकम 10 लाख तक है या 10 लाख से अबव है तो वो कितना टैक्स पे करेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को भी वहां पर बढ़ा देती है, तो वहां पर गवर्नमेंट टैक्स को कर रही है पर आपका 15%। अगर किसी पर्सन की एनुअल इनकम 10 लाख या 10 लाख से अबव है तो वहां पर गवर्नमेंट टैक्स को भी क्या कर रही है स्टूडेंट इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा टैक्स जो इनकम के चेंज होने पर टैक्स भी चेंज हो जाए, टैक्स रेट भी आपका चेंजेस हो जाए, तो वो टैक्स कहलाएगा आपका स्टूडेंट इनकम टैक्स। तो ऐसे टैक्स को हम आपका प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। एक होता है स्टूडेंट रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स में पुअर पीपल और रिच पीपल दोनों पर बराबर टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। पुअर पर्सन, सपोज करो अगर पुअर पर्सन है वो भी 10% टैक्स दे रहा है और रिच पीपल है वो भी वहां पर आपका 10% आपका टैक्स पेड कर रहा है, तो ऐसे टैक्स जो पुअर पर्सन और रिच पर्सन दोनों पर इक्वली चार्ज किए जाएं, बराबर चार्ज किए जाएं, तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और ऐसे टैक्स पुअर पर्सन पर ज्यादा रियल बर्डन डालते हैं एज कंपेयर टू रिच पीपल। रिच पीपल के कंपैरिजन में पुअर पीपल पर ज्यादा इनका रियल बर्डन होता है रिग्रेसिव टैक्सेस का। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मैकडी में अगर हम बर्गर उससे परचेज कर रहे हैं, सपोज करो उस बर्गर पर 25% गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है। अब ये डिपेंड करता है क्या, ये इसमें डिपेंड करता है कि इसको कंज्यूम करने वाला उस गुड्स को जो कंजप्शन कर रहा है वो पुअर पर्सन है या फिर वो रिच पर्सन है। भाई उस बर्गर को अगर कोई रिच पीपल खरीदता है तो वो भी 25% ही टैक्स देगा, अगर कोई पुअर पीपल उसका कंजप्शन करता है तो वो भी आपका 25% ही टैक्स वहाँ पर पेड करेगा। तो दोनों पर इक्वल टैक्स चार्ज किया गया है स्टूडेंट, तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और आगे इसमें आपका आता है वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैट क्या होता है, नाम से ही आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, और जहां पर ये वर्ड आ गया वैल्यू एडिड तो समझ लीजिए किससे रिलेट करता है, प्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन की वेरियस स्टेज में जो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं वैट, जो आपका कच्चे पदार्थ पर, कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पर चार्ज करती है गवर्नमेंट, तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। और एक इसके अंदर होते हैं आपके स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स तो वो टैक्स है जो आपका स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक कलर पे चार्ज होता है। जैसे स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्सेस को चार्ज करती है, स्पेसिफिक कलर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, कलर है यूनिट
यूनिट के अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट टैक्सेस को चार्ज करती है कि एक यूनिट पर इतना टैक्स पे करोगे। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं आपका स्पेसिफिक वेट में कार, कार का एक अलग वेट है और कार के कंपैरिजन में स्टूडेंट अगर हम बाइक को देखते हैं तो बाइक में और कार के वेट में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों ही व्हीकल हैं लेकिन टैक्सेस दोनों पर गवर्नमेंट का अलग अलग डिफरेंट है, तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी टैक्स रिसीप्ट्स की सारी आपके पॉइंट, जितना भी गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीप्ट होता है, टैक्स रिसीप्ट से जो मनी गवर्नमेंट को रिसीप्ट होती है, और उसमें ऐसे भी सोर्सेज और भी हैं जो आपके रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर ही आते हैं और टैक्सेस से अदर हैं, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू रिसीप्ट भी कुछ ऐसे भी आपके पॉइंट्स भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसके अंदर आती हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट, कुछ ऐसी भी रिसीप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट को रिसीप्ट, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है उससे, लेकिन टैक्सेस से अदर सोर्सेज है, वो टैक्सेस से अदर सोर्स है और वो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर ही आता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका आता है फी एंड फाइन। गवर्नमेंट कुछ ऐसे वर्क को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, मतलब उस वर्क को कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट, कुछ फी चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, अगर अपने नाम पर आपको अपने नेम पर लैंड रजिस्टर्ड करानी है तो गवर्नमेंट कुछ उसकी फ़ी चार्ज करती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट फ़ी कुछ उसके इशू करने की। तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए कहलाती है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट। और इसमें आता है आपका पॉइंट फाइन का, फाइन गवर्नमेंट जो आपका पेनल्टी चार्ज करती है, किसी पर पेनल्टी लगा दी, किसी पर जुर्माना लगा दिया, तो जो उससे गवर्नमेंट को इनकम हो रही है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है स्टूडेंट एसचीट। एसचीट का मतलब क्या होता है, एसचीट का मतलब होता है सम पीपल लीव प्रॉपर्टी विदाउट लीगल हेयर। अगर कुछ पर्संस ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को, सपोज कीजिए किसी की प्रॉपर्टी का कोई, किसी का कोई वारिस नहीं था और वो सडनली अचानक में क्या हो गया, वो डेथ हो गया, ना तो उसका कोई वारिस है ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी एसेट्स को क्या कर लेगी स्टूडेंट, जब्त कर लेगी। तो गवर्नमेंट को जो ऐसी इनकम होती है एसचीट से, वो भी गवर्नमेंट के लिए आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती हैं। और आगे इसमें पॉइंट आता है थर्ड आपका स्पेशल असेसमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या है, स्पेशल असेसमेंट एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के वेलफेयर वर्क से अगर किसी की प्रॉपर्टी की या एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट उससे अपना रेवेन्यू चार्ज करती है, उससे कुछ इनकम चार्ज करती है। गवर्नमेंट के वेलफेयर वर्क की वजह से, सपोज करो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आपका कहीं पर आपका मेट्रो स्टेशन बना दिया, अब मेट्रो स्टेशन जब वहाँ पर बनाया तो वहाँ पर जो एसेट्स थी, वहाँ पर आसपास जो आपकी ज़मीनें वगैरह थी उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। वो किस लिए बढ़ी थी, जब वहां पर मेट्रो स्टेशन बन गया तब। तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट क्या कहलाएगी, आपका स्पेशल असेसमेंट, और वो आपका इंक्लूड होती है किसके अंदर, वो इंक्लूड होती है आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर। आगे पॉइंट इसमें आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए आपका वर्क करते हैं, जैसे आपका रेलवे से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। DTC बसेज हैं आपका, रोडवेज बसेज हैं, इनसे जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये इनकम गवर्नमेंट के लिए कहलाती है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। आगे इसमें पॉइंट आता है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। जी हाँ, स्पेक्ट्रम वर्ड सुन के ही आपके माइंड में आ गया होगा, 2G स्कैम और 3G स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, 2G स्कैम और 3G स्कैम। तो स्टूडेंट देखिए स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम के अंदर गवर्नमेंट के पास में स्पेक्ट्रम होता है 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क के लिए, जो आपके नेटवर्क को वेव्स मिलती हैं 2G 3G 4G, तो इनको जो वेव्स जो उनको जो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है टेलीकॉम कंपनीज को, वो गवर्नमेंट सेल करती है ऑक्शन के अंदर, गवर्नमेंट सेल करती है इनको ऑक्शन के अंदर, नीलाम करती है। अब टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी उस पर बोली लगाकर उसको खरीदते हैं, जिसके पास जितना स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, जैसे एयरटेल के पास में ज़्यादा स्पेक्ट्रम है तो उसका नेटवर्क अच्छा है,
तो स्टूडेंट जिसके पास में टेलीकॉम कंपनी के पास में जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसी लिए उसका नेटवर्क इतना ज्यादा आपका फैला हुआ है, जो उसमें वेव्स मिलती हैं उनको नेटवर्क को आपस में शेयर करने की और क्रॉस करने की। तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उनको ऑक्शन में सेल करती है तो गवर्नमेंट को वहां से इनकम होती है, और ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। आगे इसमें पॉइंट आता है 6 पॉइंट आपके डोनेशन। गवर्नमेंट को स्टूडेंट डोनेशन रिसीव भी होती है, जैसे आपका कोविड 19 जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, एक आपका ग्लोबल डिसीज, एक आपकी जो फैली हुई है ज़्यादातर सभी कंट्री के अंदर, तो ज़्यादातर पर्सन ने अपना कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के आपके केयर फंड के अंदर, पीएम केयर फंड में, स्टेट कोविड 19 हेल्पलाइन फंड के अंदर, इसके अंदर अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया है। तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट को क्या कहलाती है स्टूडेंट, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। और आगे इसमें लास्ट पॉइंट आता है फोर फीचर का तो सीधा सा मतलब होता है जब्त करना। जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक्शन के रिगार्डिंग किसी पर कोई लीगली एक्शन लिया और लीगली एक्शन में किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कोई एसेट्स जब्त कर ली, तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए भी आपका कहलाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। तो स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिसीप्ट टॉपिक यहाँ पर आपका होता है फिनिश।